हाय देश जोगेंद्र टुटेजा एट टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी और बात करते हैं इंडियाज मोस्ट वांटेड के बारे में। सबसे जो मुझे सरप्राइजिंग बात लगी इस फिल्म को देख के वो ये कि एक ऐसी कहानी है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी थ्रिलिंग है, इतनी ड्रामेटिक है, इतनी रियलिज्म से जुड़ी है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जिक्र ही नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं गया है। एक ऐसे टेररिस्ट के बारे में बताया गया है जिसने इंडिया में आतंक फैला रखा था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी बॉम्बिंग्स, फॉर किलिंग ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और एक ऐसी टीम बनती है, एक पाँच लोगों की एक टीम जाती है और उसको नेपाल से पकड़ के लाती है। सच्ची घटनाओं पर यह फिल्म आधारित है, बट सरप्राइजिंगली हमने इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं है। दैट्स द रीजन व्हाई हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में सोचा, इसके अराउंड एक नरेटिव बनाया, एंड ही वेंट अहेड एंड पुट टुगेदर दिस फिल्म। अर्जुन कपूर इस फिल्म में दिखाई दिए, ही लीड्स दिस एंटायर इनिशिएटिव, ही लीड्स दिस एंटायर मिशन। और वो कैसे जाते हैं, इट्स प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस ही गोज अहेड एंड नैब्स दिस टेररिस्ट। सो फ्रॉम द कोर प्लॉट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द कोर थॉट पर्सपेक्टिव एंड द फैक्ट दैट अ टीम केम टुगेदर, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सिनेमेटिकली ये फिल्म एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकती थी, जैसे बेबी थी या डी डे थी, ये भी कुछ ऐसी फिल्में थी जो इसी तरीके की कहानी पर आधारित थी। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब भी थ्रिल्स आते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो कुछ ड्रामेटिक मूवमेंट्स है वो कहीं कहीं पे स्लो डाउन हो जाते हैं। कुछ एक सीन है जो बहुत ज़्यादा लंबे खिंच जाते हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। कुछ दिखाया गया है कि कैसे खबरियों के साथ मिलके उनसे इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, कैसे बहुत सारे लोग आपस से मिलते हैं, कैसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो या तो एक दूसरे के साथ काम करती है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है। नो अगेन, पेपर पे चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, बट मेन ये होता है कि आप इसको नरेटिव में कैसे बुनते हैं। और यहाँ पर कहीं कहीं पर ऐसे लगा कि राजकुमार गुप्ता कुछ एक सीन्स तो बहुत अच्छे बना गए, बट कहीं कहीं पर जो फिल्म है वो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई या काफी स्लो डाउन भी हो गई। दैट्स द रीजन व्हाई फिल्म की जो स्टार्ट है वो बहुत अच्छी लगती है। फिल्म का जो इंटरवल पॉइंट है वो सुपर अमेजिंग है, इट्स ऑसम। एंड देन उसके बाद जो सेकंड हाफ है वो रिलेटिवली मच बेटर है, अच्छा लगता है फिल्म को देखना। प्री क्लाइमेक्स में जो एक बिल्डअप होता है टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स वो भी काफ़ी अच्छा बन पड़े हैं, पर फिर क्लाइमेक्स मुझे ऐसे लगा जो लास्ट के 5-7 मिनट खासकर थे वो थोड़े से खींच दिए गए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो फिल्म में कहीं कहीं पर जो बीच में गाने भी आते थे वो टोटली अनवॉरेंटेड, 2-3 गाने आते हैं। एक तो एक क्लब में भी गाना दिखाया जाता है विच वॉज टोटली अनवॉरेंटेड, तो अगर गाने नहीं होते तो फिल्म और ज़्यादा क्रिस्प बन जाती है। एज फॉर द बैकग्राउंड स्कोर, जब भी थ्रिलिंग सीन्स के साथ आते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, बट कहीं कहीं पे कुछ एक छोटी मोटी इमोशनल मूवमेंट्स आ जाती है या स्लो ड्रामेटिक मूवमेंट्स आ जाती है तो बैकग्राउंड स्कोर उसको और ज़्यादा स्लो कर देते हैं, तो वहाँ पर शायद कुछ बेटर हो सकता था। बट हाँ, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ऑफकोर्स अर्जुन कपूर गोज अहेड एंड गिव्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। उनको इस फिल्म में सटल अंडरस्टेटेड रहना था, हीरोइज्म नहीं करना था, उनको इसको बहुत ही अंडरप्ले करना था कि इंटेलिजेंस से काम कर रहे हैं और एक कॉमन मैन की तरह काम कर रहे हैं, वो चीज़ अच्छी है। उनके साथ है राजेश शर्मा जो उनके हैंडलर दिखाए गए हैं दिल्ली में, उनका भी जो रोल है वो काफ़ी अच्छा है। उनके अलावा कुछ एक और भी करेक्टर्स हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स हैं 8-10, वो अपने थोड़े थोड़े रोल में वो ठीक ठाक है, बट प्राइमरली अर्जुन कपूर एंड राजेश शर्मा। एज फॉर द फिल्म एज अ होल, अगेन I'll give it good marks, primarily क्योंकि core concept अच्छा है, जो core theme अच्छा है, film और better हो सकती थी अगर overall thriller रहती, अगर dramatic moments जो वो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं trim down कर दिया जाता तो वहाँ पर शायद अच्छा लगता, but then उसके अगर हम beyond देखें, so again क्योंकि ये कहानी बताई गई है, I'll give this one a rating of 3 stars। This is Jogendra Tuteja signing off from Tuteja Talks Desi Martini।